ट्विंकल खन्ना ने अंबानी की शादी को लेकर बड़ी बात बोल दी है। अंबानी के प्री वेडिंग में अक्षय कुमार के नाचने पर भी ट्विंकल ने टंच कसा है। ट्विंकल हमेशा अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। कोई भी मुद्दा हो ट्विंकल अपनी राय देने में बिल्कुल परहेज नहीं करती, चाहे उस वजह से उन्हें कितना भी टोल होना पड़े। लेकिन इस बार ट्विंकल ने अपने तीर का मुंह अंबानी की प्री वेडिंग की तरफ घुमा दिया है और उसमें सीधा निशाना अपने पति अक्षय कुमार पर लगाया है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में अक्षय कुमार ने जोरदार परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने फंक्शन में बुढ़नाल इश्क मीठा गाना गाया और उस पर डांस किया। अब ट्विंकल ने अक्षय की इस परफॉर्मेंस पर तंज कसा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में ट्विंकल ने अक्षय पर लिखा है, मेरे बच्चे को दवाई खिलाने से लेकर मेरे पेट डॉग को टॉयलेट ट्रेनिंग देने के बीच में मैंने इंस्टाग्राम पर अनंत राधिका अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन को खूब एंजॉय किया। उस पर मैंने बॉलीवुड के तीन खान को डांस करते देखा। तभी मेरी नज़र अक्षय कुमार पर पड़ी जो पहले तो स्टेज पर गाना गा रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने डांस करना शुरू कर दिया। वो एक पंचिंग डांस स्टेप करता रहा जिसे उसने 33 बार इतनी ताकत से दोहराया कि जैसे वो जामनगर की मिट्टी में एक और तेल का कुआं खोदने वाला है। इसके साथ ही ट्विंकल ने लिखा कि उन्होंने स्टेज पर रिहाना का सुपर एनर्जेटिक शो भी देखा। शो वाकई में बहुत कमाल का था। इस शो के लिए रिहाना ने 66 से 74 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। ट्विंकल ने आगे लिखा, लेकिन नीता अंबानी के क्लासिकल डांस के आगे रिहाना का कॉन्सर्ट भी फीका पड़ गया। इस कॉलम में ट्विंकल ने अंबानी के फंक्शन में ना पहुंचने का कारण भी बताया। ट्विंकल ने लिखा कि उनकी बेटी निदारा को फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से वो ये फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। बीते दिन ट्विंकल ने एक क्रिप्टिक पोस्ट लिखा था, जिसके बाद लोग उनकी प्रेगनेंसी की चर्चा करने लगे थे। हालांकि ट्विंकल का ये पोस्ट भी तंज था जो उस फैसले को लेकर था, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं को शादी करने के बाद अपने पति से अपना पहला नाम वापस पाने के लिए अनुमति लेनी होगी। फिलहाल ट्विंकल के इस आर्टिकल के बाद लोग कह रहे हैं कि अक्षय कुमार इन्हें कैसे झेलते होंगे। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अब राय में कमेंट भी दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।